जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगे। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगे। हो गए प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे राजस्थान में हमारी चार सूत्री मांगों को लेकर के राशन की दुकानें 1 अगस्त से पूरे प्रदेश से बंद हो रही है। गत हमारी ये मांगे गत 8-10 सालों से चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो, हमारी मांगों को सरकार ने अनसुना किया है। प्रदेश स्तर पर विधानसभा घेराव करने के बाद सीएम तक को देने के बाद राजस्थान के करीबन 80 MLA के डिजायर के बाद 17 मिनिस्टरों के भी अनुशंसा के आधार पर भी हमारे की मांगों की पूर्ति नहीं की गई। इसलिए विवश होकर हमें ये हाजिर वितरण प्रणाली को 1 अगस्त से बंद करना है, क्योंकि हमारे जो मानदेय हैं वो 30,000 मांग की जा रही। कारण कि एक राशन दुकानदार एक महीने में व्यवसाय 30 दिन से दुकान खोलता है और मात्र 4,000 से लगाकर 8,000 रुपये दुकान ही कमा पाता है, उसका कमीशन इतना ही बनता है। उसमें अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, राशन की दुकान का जो किराया वो नहीं दे पाता, तोलने वाले सहायक भी उसको सैलरी नहीं दे पाता। लिहाजा मजबूर होकर के हमारे प्रदेश संगठन ने इस राशन की दुकान व्यवस्था को, कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, कई इस्तीफे दे रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाहते, मजबूरन कई वर्षों से लोग इसे बंधे हुए हैं। कि आशा है कि कभी कभी कोई ऐसी सरकार आएगी, ऐसे मंत्री बनेंगे, ऐसे सीएम बनेंगे, हमारी 27,000 लोगों की वो बात को सुनेंगे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी हमारी कोई मांगे नहीं मानी जाए। लिहाजा बजट में हमारे को आशा थी कि हमारे कुछ राशन दुकानदारों को मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला। हम चाहते हैं गुजरात के तर्ज पर गुजरात राज्य में भी राशन के दुकानदारों को मानदेय दिया है वहाँ की सरकार, क्योंकि गुजरात में और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है। इसलिए पूरी सरकार से और मंत्रिमंडल से हम आशा करते हैं कि हमारे को 30,000 रुपये मासिक हमें मानदेय दिया जाए, 2% चीजें दिए जाए। जो हमारे पास गेहूं आते हैं वो 50 किलो के पैकेट में आते हैं, लिहाजा हमको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तोड़ना पड़ता है। लिहाजा वो गेहूं मात्रा 1 किलो 2 किलो कम होती है, ये जायज मांग है और हमें ये भी मांग मिलनी चाहिए कि 2% चीज मिलनी चाहिए। हमारा कमीशन 7-8 महीनों से नहीं आ रहा है। सरकार के कर्मचारियों को संविधान, यहाँ के संविधान लोगों को हर महीने सैलरी दी जाती है, लेकिन राशन डीलरों को 7-8 महीने कमीशन टुकड़ों में दिया जाता है। वो हमें कमीशन एक साथ हमारा वितरण होने के पश्चात अगले सप्ताह की 7 तारीख हमें कमीशन मिले, और इस तरह से हमारे ऊपर जो एक तरह जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, वो अपनी आवाज को लोकतंत्र तरीके से उठाने के लिए विवश होकर के 1 अगस्त से 27,000 पूरे प्रदेश में और 1051 बाड़मेर जिले में बंद रहेगी। और जब तक हमारे को मांगे नहीं मानी जाएगी, पूर्णतः हमारा पूरा सभी साथियों का हमारा आग्रह कहना है और वो एक तरह शपथ ले चुके हैं, जब तक हमें हमारी मांगे नहीं मानी हम दुकानें नहीं खोलेंगे। और ये पोस्ट मशीने हमने अपने जो हमारा संगठन बना ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष उन्होंने जमा कर ली है, और मांगे नहीं माने पर हम राज्य सरकार को मशीन सुपुर्द कर दी। सरकार की तो घोषणा है कि वो राशन डीलर की दुकानें बढ़ाने पर खोलने की घोषणा कर रखी है उन्होंने, पहले बनाई हुई है वो भी राशन की दुकानें जो पहली बनाई हुई है वो जो विधायक है जो देता है अपने अपने कार्यकर्ता को दुकान देने चाहते हैं, और जिनको ये पता है कि इस दुकान में कुछ नहीं मिलना है वो जिनको पहले वो दुकानें छोड़ रहे हैं, पहले जिसके पास दुकान है वो भी छोड़ रहे हैं।